इन दिनों देश के दो राज्यों के विधानसभा चुनाव काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। ये दो राज्य जम्मू कश्मीर और हरियाणा हैं। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद से दोनों राज्यों में राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम झोंके हुए नजर आ रही हैं। या यूं कहें कि सारे दांव पेच आजमा रही हैं। ऐसे ही एक दांव पेच हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष की दो पार्टियों ने एक साथ आकर आजमाया है। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी ASPK एक साथ आ गई हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने। अब इस गठबंधन के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम मायना ये है कि दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर रावण एक साथ होकर किस पार्टी के और किस समाज और कास्ट के वोटों पर डाका डालने वाले हैं। बीते मंगलवार को जननायक जनता पार्टी यानी कि JJP के संस्थापकों में से एक दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने गठबंधन की जानकारी दी। क्या क्या बोले सुनिए। हम लंबे समय से हरियाणा में काम कर रहे हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से हमारे नेताओं ने वहाँ संघर्ष करके संगठन बना के उसको सींचने का काम किया है। अब एक और एक 11 हो गए हैं। शक्ति मिलके जो है एक नया निर्माण करेगी। मैंने इनसे ये भी अपील की थी कि जो भी हमारे जैसे साथी हों, जो चाहते हों कि किसान, कमेरे, नौजवान, महिलाओं के सशक्तिकरण की आवाज़ आगे बढ़े, उनको भी अपने साथ में आप जोड़ लो। मेरा भरोसा है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ नई ताकतें भी, नए ऐसे साथी भी आपको हमारे साथ देखने को मिलेंगे जो चाहते हैं कि हरियाणा मिलके इसी आइडियोलॉजी पर आगे बढ़े कि किसान किस कमेरे की बात मजबूर। पुरानी चीज़ों के लिए मैं अपने महान नेताओं का धन्यवाद करता हूं और मेरा विश्वास है कि अब हम इस लड़ाई को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और इस ताकत को बनाने में कामयाब हों। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, जननायक जनता पार्टी का पूरा परिवार, उनके सम्मानित नेता, पूर्व CM, पूर्व DC और भावी CM जो है हमारे बीच में है, साथ साथ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का परिवार है। ये दोनों परिवार एकजुट होकर, मैं संदेश अपने साथियों को देना चाहता हूँ, आज से ही कमर कसें और हरियाणा में एक नया इनकलाब खड़ा करें, ऐसा मेरा विश्वास है। और बाकी चीज़ों को हम धरातल पर संघर्ष करके उतारें। लामा जी, जहाँ साथी आए गए, मेरे को तो चौटाला साहब का एक शेर याद है, जब संपत सिंह पार्टी छोड़ के गए, छोटे से एक लालच के लिए वर्षों के याराने गए, अच्छा हुआ है मेरे दोस्त कुछ नकली चेहरे पहचाने गए। ये तो समय है, लोग आएंगे जाएंगे और ख़ास तौर पर चुनाव, अभी तो टिकटों का बंटवारा राष्ट्रीय पार्टियों में शुरू होगा और होड़ लगेगी लोगों की भागने की। और चुनाव के अंदर तो हमने लोकसभा में देखा है, विजेंद्र सिंह सुबह पटका छोड़कर BJP का और कांग्रेस में गए और उनकी टिकट कट गई और राहुल कस्वा को टिकट मिल गई। रवनीत बुट्टू कांग्रेस छोड़कर BJP में गए, उनको टिकट मिली। कौन आएगा जाएगा मुझे नहीं लगता पार्टियों को इससे फर्क। जहाँ अलायंस की बात, हमारा विजन क्लियर है कि किसान कमेरे की हम लड़ाई लड़ेंगे और किसान कमेरे के अंदर चाहे वो हमारे ऐसी साथी हो, इनका कैसे उत्थान। दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर भी सहमति बन गई। JJP 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ASPK 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस अलायंस से कांग्रेस और BJP में किसके वोट बैंक में सेंध लग सकती है। गौरतलब है कि 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में JJP का प्रदर्शन अच्छा रहा था और पार्टी 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। चुनाव के बाद दुष्यंत चौटाला ने BJP का समर्थन किया था और प्रदेश के DC बने थे। हालांकि गठबंधन सरकार अपना 5 साल पूरा नहीं कर सकी और लोकसभा चुनाव से पहले चौटाला BJP से अलग हो गए। अब उन्होंने आजाद समाज पार्टी कांशीराम के साथ गठबंधन किया है। हरियाणा की राजनीति में इस गठबंधन को दलित, जाट और युवा वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए माना जा रहा है। हालांकि गठबंधन की राह इतनी आसान भी नहीं है। 10 साल सरकार चलाने के बाद BJP के पास गिनाने के लिए अपनी उपलब्धियां हैं और प्रदेश और केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं के साथ संगठन और PM नरेंद्र मोदी का चेहरा भी है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में हरियाणा में दमदार उपस्थिति दिखाई है। कांग्रेस भी एकजुट होकर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि मतदाता किस पार्टी पर अपना भरोसा दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।